तुझको इतना करीब पाता हूँ कि याद करना भी भूल जाता हूँ। तुझको इतना करीब पाता हूँ कि याद करना भी भूल जाता हूँ। आप ही आप अश्क बहते हैं मेरे, आप ही आप मुस्कुराता हूँ। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ना कोई उलाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। दयानाथ दयानित तेरी अवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
जिस चाहे जैसे नवाज दे। ओ जिस चाहे जैसे नवाज दे, तू बड़े घराने का लाल है, वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पे गुमान था, वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पे गुमान था, वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पे तू मेहरबान था, वो डूबते डूबते भी तर गए। जिस चाहे जैसे नवाज दे, जिस चाहे जैसे नवाज दे, तू बड़े घराने का लाल है। जिस चाहे जैसे नवाज दे, जिस चाहे जैसे नवाज दे, जिस चाहे जैसे नवाज दे, तू बड़े घराने का लाल है। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। जिस चाहे जैसे नवाज दे, तेरे आशिकों को यकीन है, तेरे आशिकों को यकीन है, जो पड़े हैं तेरे हुजूर में। तू हबीब रब का हबीब है, तू हबीब रब का हबीब है, तुझे बेकसों का ख्याल है। जिस चाहे जैसे नवाज दे, तेरे रास्ते पे चले जो हम, तेरे रास्ते पे चले जो हम, हमें मिल गया वो रास्ता। तेरे रास्ते पे चले जो हम, हमें मिल गया वो रास्ता, जो तुम मिले मुझे खुदा मिला। जो तुम मिले मुझे खुदा मिला, तेरा सिलसिला बेमिसाल है। जो तुम मिले मुझे खुदा मिला, तेरी याद दिल का सुरूर है, तेरी याद दिल का सुरूर है, तेरा इश्क रश के जमाल है। सब अखलाक की बात है, सब अखलाक की बात है, तू सादगी की मिसाल है। जिस चाहे जैसे नवाज दे, तूने दिल में हमको बिठा लिया, तूने दिल में हमको बिठा लिया, अपने ही जैसा बना दिया। तूने
तूने दिल में हमको बिठा लिया, अपने ही जैसा बना दिया, सारे सवाल ही मिट गए। सारे सवाल ही मिट गए तेरी खुशी के सवाल में, सारे सवाल ही मिट गए तेरी खुशी के सवाल में, जिस चाहे जैसे नवाज दे। तू बड़े घराने का लाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मैं लजपाला दिलड़ लगिया, मेथों सब गम परे रेंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रेंदे। मैं लजपाला ते लड़ लगिया, मैनू हुण लोड़ नहीं पैंदी किसे भी दर ते पटकण दी, मैनू हुण लोड़ नहीं किसे भी दर ते पटकण दी। मैं मंगती गुरुआं दी मेरे ठूठे परे रेंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, ख्याले यार विच मैं मस्त रहंदा हां दिने राती, सजन दी दीद हो जांदी मेरे दीदे ठरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, दुआ मंगिया करो संगियो किते मुर्शद न रुस जावन, हो दुआ मंगिया करो संगियो किते मुर्शद न रुस जावन, जिना दे गुरु रुस जांदे, जिना दे गुरु रुस जांदे, ओ जिंदे भी मरे रेंदे, मरे रेंदे। मैं लजपाला दिलड़ लगिया, मालक सानू गम कादा कादा,
मालक सानू गम का दा साड़ी निस्बत है लासानी उसी दे रैन जो बन के उसी दे रैन जो बन के ओ खोटे भी खरे रेंदे उसी दे रैन जो बन के ओ खोटे भी खरे रेंदे मैं लजपाला दे लड़ लगिया हम गाते रहेंगे गुनगुनाते रहेंगे हम गाते रहेंगे गुनगुनाते रहेंगे हम नगमे सदा प्यार के हम नगमे सदा प्यार के सुनाते रहेंगे हम गाते रहेंगे गुनगुनाते रहेंगे हम गाते रहेंगे गुनगुनाते रहेंगे हम नगमे सदा प्यार के हम नगमे सदा प्यार के सुनाते रहेंगे हम गाते रहेंगे गुनगुनाते रहेंगे हम गाते रहेंगे गुनगुनाते रहेंगे तूने अपनी तवज्जो से हमें भर दिया पूरा भर दिया पूरा तूने अपनी तवज्जो से हमें भर दिया पूरा भर दिया पूरा हम सदियों तक दीप वफा के हम सदियों तक दीप वफा के जलाते रहेंगे हम गाते रहेंगे गुनगुनाते रहेंगे हम गाते रहेंगे गुनगुनाते रहेंगे चाहे रहे पास चाहे रहे पास चाहे दूर रहे परदेसों में परदेसों में ये पंक्ति में जो परदेश से मेरा भाव है दो भाव मेरे जहन में है जो आपके सामने रखता हूँ एक परदेश वो है कुछ हम मालिक के साथ यहाँ बैठे हैं कुछ देशों विदेशों में मालिक के साथ जुड़े हैं वो परदेश है एक दूसरी दुनिया परदेश है वो भी सब हम मालिक के साथ जुड़े हैं तो हम
यहां रहें, वहां रहें या वहां रहें, हम सब मालिक के साथ अनंत काल तक जुड़े रहेंगे। चाहे रहे पास, चाहे रहे पास, चाहे दूर रहे परदेसों में, परदेसों में। चाहे रहे पास, चाहे दूर रहे परदेसों में, परदेसों में। हम तुझ संग रिश्ता प्रेम का, हम तुझ संग रिश्ता प्रेम का निभाते रहेंगे, हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। तूने लुटा दिया दिल, खोल कर जो भी था तुम्हारे पास, जो भी था तुम्हारे पास। तूने लुटा दिया दिल, खोल कर जो भी था तुम्हारे पास, जो भी था तुम्हारे पास। अब हम भी अपनी जान तुम पर, अब हम भी अपनी जान तुम पर लुटाते रहेंगे, हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। आज रूहानियत की बारिश में, आज रूहानियत की बारिश में भीग कर हर दिल तुझसा महक रहा है। आज रूहानियत की बारिश में भीग कर हर दिल तुझसा महक रहा है। इस जग को हाँ हाँ मालिक, इस जग को हाँ हाँ मालिक, महकाते रहेंगे तेरे प्रेम की खुशबू मिलकर हम, तेरे प्रेम की खुशबू मिलकर हम फैलाते रहेंगे, हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। आप बस यूं ही सदा मुस्कुराते रहो मेरे मालिक, आप बस यूं ही सदा मुस्कुराते रहो मेरे मालिक, फिर देखो हम क्या क्या कर जाते रहेंगे। मास्टर, हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। हम नगमे सदा प्यार के, हम नगमे सदा प्यार के सुनाते रहेंगे, हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे।
हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। साहब एक लास्ट लाइन सभी अभ्यासी की तरफ से आपके नजर करता हूं। आप बस यूं ही सदा मुस्कुराते रहो मेरे दाजी, आप बस यूं ही सदा मुस्कुराते रहो दाजी, फिर देखो हम क्या क्या कर जाते रहेंगे, हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। थैंक यू मास्टर। भाई का नाम चरणप्रीत भी है और गुरप्रीत भी है। लवली सेलिब्रेशन विच विल गो ऑन एकोइंग इन अवर हार्ट्स फॉर गुड, वेरी जॉयफुल कल्मिनेशन विथ फैंटास्टिक भजन परफॉर्मेंस रेंडरिंग by father and daughter duo. Just to kindly remind you, please remember the three tips, three messages from Lord Krishna, and of course our message that we have to think over, how do we form sanskars, how we can clean them and heighten the lifestyle in such a way that we don't form impressions at all. And if we don't form impression at all, then there is no need to clean, there is no need to meditate. And I assure you of that it is possible. How long shall we go on taking medicine until you're healthy? How long you continue meditating until you become totally spiritual? Babuji has reassured in a different way. When one of Lalaji's disciples somehow got astray, meaning he did not recognize Babuji as his successor, and went on doing his puja for years together. One day he happened to meet Babuji Maharaj. कहते हैं हम तो इतने सालों से लालाजी महाराज का ध्यान कर रहे हैं। तो बाबूजी ने, जैसे बोलते हैं ना, बाउंसर लगाया उनको, 20-20 सालों तक आप पूजा कर रहे हैं, कब अंत आएगा? वो हमारे लिए भी अप्लाई होता है, कब पहुंचेंगे वहाँ? आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ,
कर भी रहा हूँ, कोई डरता ही नहीं है, लेकिन टेक इट टू द हार्ट. मैनी पीपल थिंक दैट आई एम मेकिंग जनरल रिमार्क. इट इज जनरल रिमार्क फॉर वन एंड ऑल, देर इज नो एक्सेप्शन टू दिस. डोंट ब्रिंग योर सेल्फ इन टू एन एक्सेप्शन कैटेगरी. इट अप्लाइज टू ऑल. लॉर्ड कृष्णा मेड इट वेरी ईजियर फॉर अस, प्रॉमिस्ड अस डू दिस फॉर अ ईयर एंड सी व्हाट हैपेंस. आफ्टर नेक्स्ट ईयर्स भंडारा, 30th April Bandara, we'll see what has happened within us. All of us have a very particular type of sanskars. Each individual has a particular tendency, uncommon with other person. There are common sanskars, like related to those sanskars that gravitate towards A, B and point D. It's a very common. But the very specific ones within that are unique to all of us. Identify those habits, tendencies, and work on them. If you don't want to work on them, once and for all, surrender it to Master and see what he can do. But this surrender of all our activities, thoughts, pains, and pleasures, it should be given in one go, not in piecemeal. I would also like to make announcement towards Satkhol batches. Kindly register yourself. This batch will be open from 15th of May till 15th of June. Those who like to go to Satkhol and relax a bit, they can go. Also, Sunday Satsang, Wednesday Satsang, as usual, are open to all at their regular venues. Okay. Next, Bandara. Pujya Charyaji Maharaj's birthday, 23rd, 24th, 25th. Okay. It will be from 23rd, it's a Saturday. You can't expect anything better than this. Saturday, Sunday and Monday. So it's lovely. So you cannot tell Charyaji excuses, sahab, main nahi aa sakta hu. 3 mahine aur hai. कई लोग बहाने बनाते हैं, लेकिन 3 महीने से आपको बोल रहा हूँ. और मैंने आपको बताया भी था कि सपोज कोई पूछे कि 24th July 2024 या 2070, जीने की उम्र भी नहीं है, लेकिन 2070 की बात करता हूँ मैं, आप रहोगे तो मैं पहला उठूँ बोलूँगा कि मैं रहूँगा. क्यों? कोई भी डेट हो हमें क्या पड़ी, हम हमेशा के लिए तैयार है. 2050 हो या 2029 हो, हम हमेशा तैयार है. लास्ट मिनट पे नहीं जा सके वो कुछ और बात है, लेकिन हमारी ओर से हमेशा हाँ ही होनी चाहिए. कोई भी भंडारा हो, कोई भी सत्संग हो, जाएंगे. थैंक यू. इतनी तैयारी तो होनी ही चाहिए अभ्यासी के नाते. बोल दिया 24 जुलाई, अरे साहब बहुत काम है ऑफिस में, बहुत ऑर्डर्स फुलफिल करने हैं बिजनेस में. आप फुलफिल करते रहो ऑर्डर्स, दुनिया चलती रहेगी. बार बार हम वापस आते रहेंगे इस दुनिया में, बहुत प्यारी है, मजा करो. जिसको जाना है आगे, उनको हर हमेशा अलर्ट रह के, तैयार रह के. 10 मिनट के बाद भी फिर से भंडारा शुरू हुए, वो भी तैयार है. सो हम नेक्स्ट भंडारे की तैयारी अभी से शुरू करेंगे तो अभी की जो हालत में है वो जाएगी नहीं. ज़रा सोचिए आप,
ये भी साइकोलॉजिकल है. स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट भंडारा, दिस कंडीशन विल बी डाइजेस्टेड वेरी फास्ट. हम जानते हैं भंडारा की तैयारी कैसे करनी है. हम एडमिनिस्ट्रेटिव बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअल तैयारी की बात कर रहे हैं. जिनकी बर्थडे हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं उनकी याद में, चारी जी की याद में डूबे रहो. प्रार्थना करो, मालिक आपके जैसे बनना है, हम तैयार हैं. जो भी सेक्रीफाइस चाहिए करेंगे. कुरान में लिखा गया है कि इब्राहिम को सपना आया कि तुझे सबसे प्यारी जो चीज़ है उसका बलिदान करते. तो सोचते रहा रात भर, उसको लगा कि मेरा बेटा सबसे प्यारा है. पहाड़ पे ले गए, कत्ल करने की कोशिश की, नहीं हो पाया. अल्लाह आ गए, ये तो तेरी परीक्षा थी. हमारी बलिदान क्या होगा? बाबूजी ने कहा कि शीश दिए यदि हरी मिले फिर भी सस्ता जान. मैं तो कहता हूँ कि शीश देना तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन अहंकार से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है. मर जाऊँगा लेकिन सर नहीं झुकाऊँगा, है ना? ये ऐसा बड़प्पन क्यों? मैं बार बार वही चीज़ पे हम अटक जाते हैं. बहुत सालों तक सोचता रहा कि बाबूजी महाराज ने 23 सर्कल क्यों बनाए हैं, उसमें सिर्फ 5 माया के सर्कल, और माया से हम डर जाते हैं, और 11 अहंकार के सर्कल. 11 क्यों? अहंकार तो एक ही चीज़ है, लेकिन 11 सर्कल अहंकार के बना दिए, क्योंकि इतना कठिन है वो, इजीली छुटकारा नहीं पाता है उसका. न तो मालिक भी इसमें कुछ कर सकते हैं. दिस कल्टिवेशन ऑफ इफेसिंग अवर सेल्स, सरेंडरिंग अवर ईगो इज अभ्यास रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट इज द मेन प्रॉब्लम. माया के चक्कर में से निकलने के लिए दोनों से मदद होती है, मालिक से भी और खुद से. लेकिन ईगो को जब निकालना है, खुद को ही कल्टीवेट करना पड़ेगा. से सरेंडर नॉट जस्ट योर एक्शंस, द फ्रूट्स ऑफ एक्शन एज लॉर्ड कृष्णा टॉक्स अबाउट, दैट्स ऑल्सो ईजियर. बट मैं ये हूँ, ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं करूँगा, ये सब घमंड की बातें हैं. इंटेलेक्ट और जितनी भी चीज़ आत्मा के नज़दीक होती है, जैसे हमारी कॉन्शियसनेस है, उसके बाद जो नज़दीक की चीज़ है अहंकार है, उसके बाद की चीज़ है इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्ट, उसके आगे मन है, उसके बाद ये शरीर है, शरीर के बाद हमारा आइडेंटिफिकेशन किससे होता है? अपनों से. मैरिड हो तो अपना स्पाउस से या अपनी स्पाउस से, बच्चों के साथ. वैसे अपना डिस्टेंस आत्मा से बढ़ता जाता है. कोई हमारा इंसल्ट करे कि आप ठीक से चलते नहीं हो, आपको चलने को नहीं आता है, इतना बुरा नहीं लगेगा. लेकिन जब कोई बोलता है तू कितना बेवकूफ़ है, तू गधे जैसा है, तेरे में अकल नहीं है, दीज आर ऑल अटैक्स ऑन द थिंग्स विच इज़ क्लोजर टू योर माइंड, क्लोजर टू योर सोल. सो आघात लगता है. और सबसे नज़दीक कौन? जिसको हम मानते हैं. इसको छोड़ दो, जब माँ पे कोई गाली देता है तो ब्लड बॉयल होने लगता है ना, क्योंकि वो सबसे नज़दीक की है.
अपने स्पाउस से भी कोई इंसल्ट करे, वेदर यू लाइक हर और लाइक हिम और नॉट, डजेंट मैटर। मेरी बीबी के बारे में ऐसी बात कर रहे हो, ब्लड बॉयल होने लग रही। दिस इज ऑल आइडेंटिफिकेशन विथ होम वी बिलोंग टू। सो ऐसे जितनी जितनी चीज से हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, घमंड होने लगता है, वो सब ईगो कैटेगरीज में आते हैं। और ये सब एक ही झटके में मालिक को दे देते हैं, माया हो या अहंकार हो, दे दो और फ्री हो जाना है। हमारी साधना सुबह का ध्यान, ध्यान में मय हो जाना, मतलब जो प्राणाहुति आती है, जो वाइब्रेशंस आते हैं उसके साथ रेजोनेट हो जाए। और आप देखेंगे प्राणाहुति तो ओरिजिनल है, स्रोत से आती है, सोर्स से आती है, तो उसके जो वाइब्रेशन है वो हमेशा हाईएस्ट रहेंगे। जैसे जैसे हमारी प्रगति होती रहेगी, हमारे वाइब्रेशंस भी इतने रिफाइन होते जाएंगे ध्यान में। और एक समय ऐसा आएगा कि हमारा जो वाइब्रेशन है, प्राणाहुति का वाइब्रेशन एकमय हो जाएगा। आप पाओगे कि प्राणाहुति में भी कुछ भी वाइब्रेशन नहीं है, हम में भी कुछ वाइब्रेशन नहीं है, एकमयता होने लगती है। This is another way of testing if I am progressing or not. Instantly, if I can resonate with the pranahuti that I am receiving, is one of the keys. Second main practice, satat smaran. इसके बारे में बहुत आगे नहीं बोलूँगा, आप सब जानते हैं। और cleaning. सतत स्मरण करते हुए भी कई बार जाने अनजाने में संस्कार बन जाते हैं कि सफाई करनी है। आपको सोने से पहले प्रभु से प्रार्थना करते कि माफ़ करो हमें, जो अनजाने में भूल हो गई उसके लिए माफ़ कर लो। हमारा 10th मैक्सिम वही है, अनजाने में जो मिस्टेक हो गई, भूल हो गई, माफ़ मांगना। तो कई बार प्रश्न उठते हैं, जानते हुए जो मिस्टेक की उसकी कैसे माफी मांगेंगे, जानबूझ के जो कुछ भूल किया। मालिक कहते हैं हम नहीं दे सकते हैं, आपने जानबूझ के खुद किया है, परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। एनीवे, we have a lot to digest from this seminar. Let's brood over, contemplate and redirect our life, refine our life. Every moment is an opportunity, and prepare ourselves for the next Pandara so that they, the masters, keep smiling, seeing us grow. Thank you all and see you soon. Thank you.
Dear brothers and sisters, you are requested to please remain seated.